जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा फैंटेसी ग्रुप में। इस वीडियो में बात करेंगे बायजूस पॉन्डिचेरी के सेकेंड मैच के बारे में। यह मैच टाइटंस और वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा और यह मैच 11 बजे दोपहर को स्टार्ट होगा दोस्तों। और टस इसका T10 का टस आपको भी मालूम है, एक घंटा पहले हो जाता है, डैट मीन्स टस तो आपको 10 बजे ही हो जाएगा। लेकिन मैं टीम आपको 10:45 में सेंड करूंगा, एक स्मॉल लीग का मैं टीम भेजूंगा आपको और एक मैं ग्रैंड लीग का टीम भेजूंगा, दो टीम में आपको सेंड करूंगा। दोस्तों अभी तक आपने यदि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का घंटी बजा दो, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा, चाहे वो बायजूस पॉन्डिचेरी T10 से रिलेटेड हो या इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड हो या वुमेन क्रिकेट से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो या उससे इम्पॉर्टेंट अभी जैसे T20 ब्लास्ट चल रहा है उससे रिलेटेड में भी मैं आपको पर डे वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का घंटी बजा दो, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आप उसे मिस नहीं करोगे, क्योंकि वीडियो में सिर्फ वीडियो ही नहीं होता है, मैं आपको उसमें प्रॉपर स्टैटिक्स के साथ मैं आपको कम्बिनेशन ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग का प्रोवाइड करता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग का कम्बिनेशन मिस कर दो। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने यदि फर्स्ट मैच का वीडियो नहीं देखा है, इसका मैंने वीडियो आप लोग के लिए पहले ही अपलोड कर दिया है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है हेड टू हेड के नज़र से देखे तो आप लोग जाके कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, जो मैंने वीडियो में टीम बताया है उससे। वेन्यू डिटेल्स का बात करें दोस्तों, तो यह मैच क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी के सेसिम ग्राउंड में होगा। यहां का पिच रिपोर्ट का बात करें दोस्तों, तो यह मैक्सिमम टाइम बॉलिंग को काफ़ी फेवर करता है और बॉलिंग में मेनली आपको पेसर को हेल्प करता है, स्पिनर को हेल्प करता है यह ग्राउंड, बट उतना नहीं करता है जितना पेसर यहाँ पे विकेट लेते हैं। बात करें T20 स्टैटिक्स का इस ग्राउंड पे, तो एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पे 78 रन है और बैटिंग फर्स्ट करते हुए एवरेज 86 का है। मैक्सिमम टाइम यदि कैप्टन टस जीतता है तो वो फर्स्ट बैटिंग करना चाहता है दोस्तों, और फर्स्ट बैटिंग करते हुए यहाँ पे इस ग्राउंड पे 80% मैच विनिंग चांस है। रिसेंट फॉर्म का बात करें दोनों टीमों का, टाइटंस और वॉरियर्स का, तो टाइटंस ने पिछले 5 मैच में 3 मैच विन किए और वहीं वॉरियर्स ने भी पिछले 5 मैच में 3 मैच विन किए, बट दोनों ने लास्ट मैच लॉस किया है आपस में। दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड का बात करें तो दोनों के बीच में 1 मैच हुए हैं जिसमें वॉरियर्स ने मैच को विन किया था 8 विकेट से। फर्स्ट बैटिंग करते हुए टाइटंस ने 89 का स्कोर किया था और वॉरियर्स ने 9.2 ओवर में 90 रन स्कोर करके मैच को विन किया था 8 विकेट से। फिर हम लोग टीम एट्रीब्यूशन देख लेते हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि कौन से टीम का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बात करें टाइटंस का, तो टाइटन का बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वॉरियर्स का बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बात करते हैं अब कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट स्टैटिक्स का, जो आपको टीम बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। इस स्टैटिक्स में मैं आपको बताऊंगा इस ग्राउंड पे आपके लिए कौन से प्लेयर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं दोनों टीमों के प्लेयर्स का मैं आपको रिकॉर्ड बताऊँगा इस ग्राउंड पर क्या रहा है। जे पांडे ने पिछले 7 मैचों में इस ग्राउंड पर 21 के एवरेज से रन किए हैं। वाई यादव ने पिछले 7 मैचों में 21 के एवरेज से रन किए हैं। SNA ने पिछले 8 मैच में इस ग्राउंड पे 20.9 के एवरेज से स्कोर किए हैं। पी राधना पारखे ने पिछले 7 मैचों में 19 के एवरेज से रन किए हैं। पी राजा भैलू ने पिछले 7 मैच में इस ग्राउंड पे 13.3 के एवरेज से स्कोर किए हैं। जे मणिकंद ने पिछले 8 मैचों में 19.9 के एवरेज से स्कोर किए हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बॉलर देख लेते हैं जिनका इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। SS ने पिछले 5 मैचों में 1.6 के एवरेज से यहाँ विकेट लिए हैं। जे सिंह ने पिछले 7 मैचों में 1 के एवरेज से इस ग्राउंड पे विकेट लिए हैं। ए मैथ्यू ने पिछले 8 मैचों में 0.9 के एवरेज से इस ग्राउंड पे विकेट लिए हैं। डैट मीन्स कोई मैच में इन्होंने 1 विकेट लिया, कोई में 0 विकेट, कोई में 2 विकेट, इस तरह से इनका रिकॉर्ड रहा है। एम पांडे ने पिछले 7 मैचों में 0.9 के एवरेज से विकेट लिए हैं। भी राजा ने पिछले 8 मैचों में 0.8 के एवरेज से विकेट लिए हैं और भी सिंह ने पिछले 5 मैचों में 0.8 के एवरेज से विकेट लिए। डैट मीन्स जैसा मैंने बताया, 1 मैच में 1 विकेट, कोई मैच में इन्होंने 3 विकेट भी लिया है, बट किसी मैच में इन्होंने लगातार 2 मैच में 0 विकेट भी लिया है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब मैं आपको स्मॉल लीग का जब मैं टीम बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कितना हेल्प करता है ये जो स्टैटिक्स। इस स्टैटिक्स से आप खुद से भी टीम बना सकते हो। मैं जो आपको टीम बताऊँगा उसमें आप 1-2 चेंज करके इस स्टैटिक्स के साथ आप जा सकते हो। आप इसमें देख सकते हो किसका क्या परफॉर्मेंस रहा है और उसके आधार पर आप खुद से टीम बना सकते हो।
अब मैं आपको एक स्मॉल लीग का टीम बना के बताऊंगा, और साथ ही साथ जब मैं आपको स्मॉल लीग का टीम बना के बताऊंगा उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट ग्रैंड लीग प्लेयर्स भी बताऊंगा जो आपके लिए ग्रैंड लीग में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें से कोई भी प्लेयर्स यदि नहीं खेलता है डैट मीन्स वो मैच से बाहर होते हैं, तो मैं आपको टीम को अपडेट करके टेलीग्राम पे मैं पर डे डालता हूँ। यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, सैम्यूल, अविनाश और एस नंदू, लेकिन स्मॉल लीग में आपको अविनाश और एस नंदू को रखना है, आप जीएल में सैम्यूल को ट्राई कर सकते हो। बैटिंग ऑर्डर में दोस्तों देखें तो आपको स्मॉल लीग में मणिकांत काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, फिर नीचे आइएगा तो आपको जे पांडे जो पिछला मैच इन्होंने नहीं खेला था लेकिन यह मैच खेल सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक है दोस्तों स्मॉल लीग में। फिर नीचे आपको सैबलम मिलेंगे जिनको आप लोग जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में प्रेम राज को दोस्तों आप लोग ट्राई करना, बी प्रॉब्यू को आप ड्रॉप कर सकते हो, मे बी आप जीएल में ट्राई कर सकते हो लेकिन मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। फिर नीचे आपको डी कुमार आप ड्रॉप करके चल सकते हो और सुखदेव जी को भी आप ड्रॉप कर सकते हो, मुझे लगता नहीं है कि वो आपको जीएल में सुख देंगे, डैट मीन्स बेहतर टीम ला के देंगे। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में स्मॉल लीग में आप रत्ना पारखे को रख सकते हो, इनका इस ग्राउंड पे काफ़ी बेहतर रिकॉर्ड रहा है, बॉलिंग से भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं दोस्तों। फिर आपको नीचे एस संटामो दिखते हैं, ये भी स्मॉल लीग में आपको इनको 100% ट्राई करना है, और नीचे आप सबको ड्रॉप कर सकते हो, यदि एस नाथ खेलते तो आप इन्हें जीएल में ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में गुरेंद्र सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बैटिंग से भी 10-15 रन देते हैं और साथ ही साथ विकेट तो एक इनका फिक्स ही रहता है। एस कुमार को जीएल में ट्राई कीजिएगा, एम पांडे को आपको स्मॉलिंग में ट्राई करना है और ए मैथ्यूज़ को आपको स्मॉलिंग में ट्राई करना है, ए मैथ्यूज़ को आप जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। फिर आरबीजी के साथ आप जाइए स्मॉलिंग में, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकते हैं। फिर नीचे आपको थरुन दिख रहे हैं, इनको आप लोग 10 मेंबर वाला में ट्राई कर सकते हो या जीएल में ट्राई करो, और एस यादव को आप जीएल में ट्राई करो, तरुण और एस यादव आपके लिए जीएल में ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकते हैं। अभी के लिए मैं बीजी को रख लेता हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन में आपको सोचना नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जे पांडे यदि खेलता है तो आप 100% जे पांडे को कैप्टन बनाओ, यदि नहीं खेलते जे पांडे तो आप अविनाश के साथ जा सकते हो या रत्ना पारखे को के साथ जा सकते हो। अभी मैं वाइस कैप्टन रत्ना पारखे को करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का हेड टू हेड टीम, इसमें मैंने कैप्टन जे पांडे को किया है और वाइस कैप्टन मैंने रत्ना पारखे को किया है। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ मुझसे आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का घंटी बजा देना, जिससे आप लोग कोई भी वीडियो मैं जो डालूंगा आप मिस नहीं करोगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि आपको लगता है मैंने जो आपको कॉम्बिनेशन बताया है आप इजीली उसे समझ गए तो लाइक कीजिएगा, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना नीचे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और ट्राई करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और दोस्तों ये वीडियो को शेयर कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो का ज़रूरत है, डैट मीन्स आप अपने मित्र को शेयर कर सकते हो यदि उनको कॉम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है T10 के मैच में। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, आप सभी से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।